एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में, जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना, वो नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो ऐसी घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में किसी ने सुना है ये बात? पहले कथा में किसी सुना है ना? तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सीवर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करता, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध हो जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है जहां तैयार होती है, उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। उस सिंदूर का इतना महत्व है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है। गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए, गौरी शंकर शिव पुराण का आप लोगों का स्मरण होगा। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ विराज, ध्यान दें, कहते हैं जब मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही हैं, अमृत की वर्षा करते हैं। शिव भक्ति में आप डूबे, शंकर की भक्ति में आप डूबे, शंकर की आराधना में आप डूबे, शिव की भक्ति में आप डूबे, शंकर की गुणगान में आप डूबे हैं तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे ही।